नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार और अन्य राज्यों शासन के द्वारा कोरोना प्रतिबंध पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए थे। रेलवे के द्वारा भी लगातार इसमें ढील दी जा रही है। रेलवे ने कोविड 19 काल से बाहर आने का दावा किया। इसके बाद भी पूर्व समय में जो यात्री गाड़ी नियमित चलती थी उनको अब तक चलाने का निर्णय अधर में चल रहा है। इससे सबसे अधिक परेशानी दैनिक अपडाउन करने वालों को हो रही है। इस पूरी मामले की जानकारी मंडल रेल प्रबंधक जी के साथ में महाप्रबंधक जी को भी है, लेकिन वे सीधे रूप से बोलने में बच रहे हैं। ऐसे में सबसे अधिक परेशानी छोटे स्टेशन पर आने जाने वाले सामान्य यात्रियों को हो रही है। इतना ही नहीं, रेलवे अब तक रेक आने के बाद भी उज्जैन चित्तौड़गढ़ मेमू के संबंध में निर्णय नहीं ले पाई है। कोरोना काल के पूर्व रेलवे ने रतलाम मथुरा पैसेंजर ट्रेन को अपडेट करते हुए इसको मेमू रेक से चलाने की शुरुआत की थी। कोरोना काल में इस ट्रेन को बंद कर दिया गया तथा जब से कोरोना काल से रेलवे बाहर आने का दावा कर रही है, कई यात्रियों को ट्रेनों को चलाया गया, लेकिन इस ट्रेन को अब तक शुरू नहीं किया गया। इस ट्रेन से पार्सल कार्यालय में बुक होकर छोटे स्टेशन के लिए मावा से लेकर फूल व कई जरूरी सामान जाते थे, वह बंद हो गया। इसके अलावा रतलाम से मथुरा तक आने जाने के दौरान छोटे स्टेशन के यात्रियों को जो लाभ मिलता था वह भी बंद हो गया। वहीं कोरोना काल के पूर्व रतलाम कोटा मेला एक्सप्रेस ट्रेन चलती थी। इस ट्रेन को नागदा से रतलाम के बीच सेक्शन में प्रतिदिन के होने वाले ब्लॉक के नाम पर स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। अब यह गाड़ी चली तो सही, लेकिन केवल कोटा से नागदा के बीच में। इसका लाभ रतलाम से नागदा तक के यात्रियों को नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा 10 बजे प्रतिदिन रतलाम से नीमच के बीच डेमू ट्रेन का आना जाना होता था, वह अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। ऐसे में मंदसौर से लेकर नीमच जाने वाले यात्रियों के अलावा अपडाउनर्स बड़ी संख्या में परेशान हो रहे हैं। इतना ही नहीं, इंदौर से रतलाम के लिए दोपहर में 1 बजे चलने वाली डेमू ट्रेन के भी शुरू होने का अब तक इंतजार हो रहा है। वहीं इंदौर से रतलाम आने वाली डेमू चित्तौड़गढ़ तक जाती थी, उसको भी चलाने के बारे में अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। वहीं यात्री लंबे समय से ग्वालियर रतलाम और भिंड रतलाम ट्रेन को नीमच तक बढ़ाने की मांग भी कर रहे हैं तथा रेलवे अधिकारी इस मांग को जानने के बाद भी अभी तक कोई भी अमल इस पर नहीं करा सके हैं। यह ट्रेन सुबह 10 बजे आकर शाम 5 बजे तक 7 घंटे प्लेटफार्म नंबर 3 पर खड़ी रहती है। वैसे भी ट्रेनों के मामले में रतलाम नीमच मंदसौर सेक्शन काफ़ी पिछड़ा हुआ है। कोरोना काल के बाद से यहाँ की कई ट्रेनों को जीरो बेस्ड टाइम टेबल के नाम पर बंद कर दिया गया, जिसमें से मंदसौर मेरठ लिंक और जयपुर इंदौर लिंक आदि प्रमुख रूप से है। वहीं कोलकाता अहमदाबाद ट्रेन का रूट परिवर्तित कर दिया। ऐसे में रेलवे को इस क्षेत्र के यात्रियों को सुविधा देने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। दैनिक यात्रियों की यह स्थिति केवल रतलाम क्षेत्र ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश की है। हाल ही में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अपडाउनर्स के द्वारा विभिन्न प्रदर्शन किए गए ताकि रेलवे विभाग उनके समय के हिसाब से ट्रेनें चलाएं, क्योंकि अभी वर्तमान में जो ट्रेनें एमएसटी सुविधा और अनारक्षित यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जा रही हैं उनका समय काफ़ी अटपटा है। इससे दैनिक यात्रियों को कोई फ़ायदा नहीं मिलता, इसलिए उनके द्वारा आने वाले समय में रेलवे के द्वारा जो पुरानी ट्रेनें बंद पड़ी हैं उनका संचालन फिर से किया जाए ताकि अनारक्षित और एमएसटी सुविधा का फ़ायदा आम यात्रियों को मिल सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि रेलवे प्रशासन कब तक आम यात्रियों की सुध लेता है या सब कुछ पहले की तरह ही चलता रहेगा। आप सभी का धन्यवाद।